लीग में खेलते हुए चोटिल हुए मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा फिट होकर मैदान पर वापसी करने में सफल रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर को चोटिल होने की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली टीम में नहीं चुना गया। भारतीय टीम आईपीएल खत्म होने के बाद इसी महीने इस दौरे पर जाने वाली है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पहले ही यह कह दिया, रोहित अगर फिट होकर मैदान पर लौटते हैं तो चयनकर्ता उनको टीम में शामिल करने का फैसला ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम के चयन के बाद से ही लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि रोहित शर्मा की चोट कितनी गंभीर है। मुंबई इंडियंस की तरफ से लगातार ऐसे संकेत दिए जा रहे थे कि रोहित शर्मा की चोट इतनी गंभीर नहीं है, उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलने वाली किसी भी फॉर्मेट की टीम में शामिल ना किए जाए। मंगलवार 3 नवंबर को रोहित ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल का आखिरी लीग मैच खेला, जिसके बाद उनके टीम में चयन की चर्चा होने लगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते हुए एक दिन पहले ही बता दिया था, रोहित शर्मा फिट होकर वापसी करने में कामयाब हुए तो उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भेजने पर विचार किया जाएगा। लेकिन गांगुली ने कहा, अगर रोहित की बात करें तो हम सभी चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फिट हो जाए। इस वक्त अगर आप फिट हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि चयनकर्ता भी उनकी जगह को लेकर दोबारा विचार जरूर करेंगे। अब जबकि बीसीसीआई के बॉस ने इस बात को साफ कर दिया है कि रोहित शर्मा फिटनेस हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो चयनकर्ता को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर टूर्नामेंट के आगे के मुकाबले में भी रोहित अपनी फिटनेस साबित करने में कामयाब हुए तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में जगह दे दी जा सकती है। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।